अच्छा डॉक्टर साहब, सहरी में पराठा ले सकते हैं? सूखी रोटी नहीं खाई जाती। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको पराठा बनाने का तरीका बताता हूँ। अपना आटा बगैर छान के, पत्थर की चक्की का आटा, उसमें जैतून का तेल अगर अफोर्ड कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं कर सकते उसमें सरसों का तेल मिला लो। आटा गूंथते वक्त सरसों का तेल, खुश्क रोटी बनाओ उसको, जैसे वो बल वाला बनाते हैं आप वैसे पराठा खुश्क बनाओ, और उसके ऊपर बाद में देसी घी लगा लो। आप मुझे दुआएं दोगे। और इससे भी बेहतर, अगर देसी घी नहीं है, सरसों के तेल का पराठा बनाओ, आटे में भी डाला, उसका रोल भी बनाया और उसके ऊपर भी लगाया। इसके फायदे ही फायदे हैं। और ये जो कहते हैं ना पराठा खा के बाद जो मैदा उठने के काबिल रहता, वो कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उठने के काबिल भी रहते हैं। रमज़ान मुबारक में वज़न कम करने का कोई नुस्खा बता दे। रमज़ान मुबारक में रोज़ा ही वज़न कम करता है, सबसे बेहतरीन तरीका ये है। डॉक्टर, मैं सहरी में लस्सी खूब पीता हूँ मगर फिर भी प्यास बहुत महसूस होती है। हाँ, ये बात बहुत समझने के काबिल है। जो दही मिट्टी के बर्तन में जमेगा, जो दही मिट्टी के बर्तन में जमेगा उसकी तासीर ठंडी होगी, उसकी तासीर ठंडी होगी। और जो दही सिल्वर में, स्टील में, नॉनस्टिक में, टेफलॉन में, उसकी तासीर, तो वो लस्सी पींदा पे है तो अंदर की लाएगी। बात समझ आ रही है? तो लस्सी भी पीनी है तो मिट्टी दे। अच्छा, पहले लोग क्या करते होते थे? पहले कहते थे चाटी दी लस्सी, माशाल्लाह। पहले लोग क्या कहते होते थे, लस्सी कौन सी पीनी है? चाटी दी, चाटी की। और अब मेरे मोहतरम भाइयों, जितनी दुकानों पे चले जाएंगे, इल्ला माशाल्लाह किसी के पास कनालियां, वरना सबके पास क्या है? तो ये दही खा के बड़ा कहता मेरे जिगर की गर्मी है, और जिगर की गर्मी वास्ते रोज लस्सी पींदा पे है, और जिगर की गर्मी वधेगी कि घटेगी? तो मिट्टी के बर्तन में दही जमाओ, मिट्टी के कुजों में, मिट्टी के प्यालों में, और मिट्टी के बर्तन का रवाज डालो। और एक बात और समझ लो, मिट्टी का बर्तन 60 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल ना करो, 2 महीने। एक गिलास, प्याला, जग ज़्यादा अर्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। मिट्टी का गड़ा भी आप 2 महीने से ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो प्याला, प्लेट और ग्लास जो डेली यूज़ किए हैं, इसको समझ लो क्यों। खाने के अंदर जो टॉक्सिन होता है ना, जहर होता है, वो बर्तन उसको सक करता है, वो उसको क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है। अब वो बेचारे की कैपेसिटी है, थोड़े अरसे के बाद उसमें से स्मेल आती है और वही बर्तन फिर बीमार करना शुरू करता है। मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा मुझे एलर्जी होना शुरू हो गई। मैंने बड़ी, मैंने एक एक चीज़ देखी, मैंने एक एक टेस्ट कराया, मुझे समझ ना आया। मैंने कहा यार मुझे ना एक दफ़ा अपनी चीज़ें दिखा जो तू करता है। उसने मुझे, वो बाहर था, उसने मुझे कैमरे से दिखाया। मैंने कहा प्याला दिखा देना, काला स्याह हुआ हुआ था, मेथी दाना रख रख के। अब जो कलवंजी मेथी दाने के अंदर केमिकल होता है ना, स्प्रे तो इसमें भी होते हैं, मिट्टी उन स्प्रे को, उन केमिकल्स को अब्सॉर्ब करती है। मैंने कहा यार ये बर्तन मुझे पार्सल कर। मैंने उसको घर, मेरे घर आया, मैंने उसको चेक किया, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी उसमें। मैंने उसे कहा तुम्हें स्मेल आती थी? कहता मैंने कहा पता नहीं, ये इसका जायका ही ऐसा होता है। लोगों को अब वो क्या, वो क्या समझ के पी रहे हैं उसको, इसमें शिफा है? अब कह रहे पता नहीं, हमने कभी जिंदगी में पिया तो है नहीं, शायद थोड़े अरसे के बाद इसका जायका ऐसा ही हो जाता हो। मैंने कहा अब फिर मुझे उससे समझ आई, फिर मैंने लोगों को बकायदा कहना शुरू कर दिया कि 2 महीने से ज्यादा बर्तन को इस्तेमाल नहीं करना है।